में से कुछ लोगों को आगे इसको इसकी जरूरत पड़ेगी. वेल रिकॉर्ड दिस लेक्चर. ओके सो लेट्स सी हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स. राइट, लेट मी, सम ऑफ यू आर सेंडिंग सम मैसेजेस, लेट मी रीड इट वंस. सर पिछले चैप्टर से डिफरेंशिएशन डिटरमिनेंट्स रही, यानी वो करा दिया था, तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा था. कोई बात नहीं, सैटरडे को देख लेना, 5 मिनट का टॉपिक है वो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ठीक है अक्षत, विल डू डैट ऑन सैटरडे. सैटरडे को व्हेन यू विल कम विल डू डैट, नो इश्यूज. इट्स जस्ट अ 5 मिनट्स टॉपिक, वो मैंने करा रखा है. ओके तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स करते हैं. शायद ही ऐसी कोई चीज होती होगी जो मैं छोड़ता हूँगा. राइट, सिलेबस के बाहर भी कर लेते हैं. सिलेबस का तो कुछ नहीं छूटता, सिलेबस के बाहर भी बल्कि हम लोग बहुत सारी चीजें करते रहते हैं. चलो बच्चों लेट्स स्टार्ट. राइट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स अगर आप देखें तो अभी टिल दिस पॉइंट वी आर प्रीटी कंफर्टेबल विद डीवाई बाई डीएक्स. किसी भी फंक्शन को अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, वो डीवाई बाई डीएक्स हो जाता है. ठीक है, सपोज करो तुम्हारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करा, है ना, इसको इस तरीके से लिखने की हैबिट होनी चाहिए, स्पेशली इन बोर्ड्स एंड इन स्कूल एग्जाम्स. ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बन जाता है भाई, दिस बिकम्स योर डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस बिकम्स योर एफ डैश एक्स. दैट इज द डिनोशन. राइट, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं. ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसको आप कितनी बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हो. इन द वर्स्ट केस क्या होगा, यहाँ तुम्हारे पास कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा डिफरेंशिएट करने पे, तो कॉन्स्टेंट को भी डिफरेंशिएट कर ही सकते हो ना. वट वट इज द आउटपुट, दैट इज जीरो. बट हाँ, डिफरेंशिएट तो हर चीज होती है ना, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऑल्दो हर बार वो जीरो ही आएगा अगर वो कॉन्स्टेंट है तो. फिलहाल अगर कोई भी जैसे साइन एक्स है तो उसमें तो हर बार आपको, आपने कल भी टेलर सीरीज पढ़ा था तो वहाँ भी देखा था. सपोज करो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ एक बार और. राइट, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है. राइट, अगेन मैं इसी स्टेटमेंट को नीचे लिख देता हूँ, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी. ये मैंने नीचे फिर से लिख दिया, डिफरेंशिएटिंग राइट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, नाउ व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें समझ में आता है कि अब इक्वेशन 1 को, राइट, ये किस में हम लोग कर रहे हैं, इन इक्वेशन 1, राइट, इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, और राइट साइड पे सर्टेनली क्या होगा आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स. तो अभी पहले हम लोग सिर्फ इसका डिनोशन समझ रहे हैं, किस तरीके से ये चीजें डिनोट होती हैं. ठीक है, तो ये जो तुम्हारा ये जो एक्सप्रेशन बनता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर से. ठीक है, एंड राइट हैंड साइड पे सर्टेनली आप एफ डैश एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश एक्स. ठीक है, एंड सो ऑन. जब आप इसको 3 बार करोगे, राइट, व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन नंबर 2 वन मोर टाइम, यू विल गेट द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इस तरीके से डेरिवेटिव का ऑर्डर चेंज होता चला जाएगा. राइट, यहाँ देखो ये क्या है, दिस इज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव. हमने इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव. इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके आपको अलग अलग बुक्स में और क्वेश्चन में मिल सकते हैं. डीवाई बाई डी एक्स को वाई वन भी लिखते हैं, वाई डैश भी लिखते हैं, यानी वाई के ऊपर ये ऐसे आप एक डैश लगा दो. राइट, इसको दिस इज ऑल डिनोट्स, दिस ऑल डिनोट्स व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. डी वाई भी लिखते हैं, एफ डैश एक्स भी लिखते हैं. जनरली हम लोग डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बट बाकी एक्सप्रेशन भी आपको पता होने चाहिए, सो डैट अगर कोई भी फॉर्म यूज हो रखा है, बिकॉज दीज आर सिंपल रिप्रेजेंटेशन, इसमें कोई प्रूफ प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है. राइट, तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तुमने 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये हमने यहाँ पे करा भी है. राइट, इसको हम लोग क्या क्या रिप्रेजेंट लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज वाई टू, वी कैन ऑल्सो राइट इज वाई डबल डैश, ध्यान से देखो डबल डैश है, और डी टू वाई और एफ डबल डैश एक्स भी लिख सकते हैं. सिमिलरली थर्ड ऑर्डर वो क्या लिखिएगा आप, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब, दिस इज वाई थ्री और वाई ट्रिपल डैश. राइट, ऊपर 3 बार आपका अपोस्ट्रोफी आ रहा है, डी थ्री वाई एंड एफ ट्रिपल डैश एक्स. ठीक है, इस तरीके से इसकी डिनोशंस होती है. ठीक है, दैट इज हाउ यू डिनोट, और इसका मतलब ये होता है. ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं.
so that we understand it in a better manner. Right, let us move on to some examples. Exercise se pick kar leta hun. Right, let me take up some easy examples and then gradually we can take up some better examples as well. Let's say 1, 5 and let's say the 9th one. ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, फाइंड द सेकंड. एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे बोर्ड में जनरली बोर्ड में जो तुम्हें मिलेगा वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक मिलता है जनरली. ठीक है, अगर आप सीबीएसई आईएससी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टटोलेंगे ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही क्वेश्चंस मिलते हैं. ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं भी इस क्लास में भी डिस्कस करूंगा. हाँ, लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ कोई लिमिट नहीं है, वहाँ तुम्हें nth ऑर्डर भी मिलेगा. राइट, लिटरली nth ऑर्डर भी क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे. ठीक है, वंस वी आर डन विद द डिफरेंशिएशन इंटायरली सर्टेनली विल टेक अप दैट क्लास एज वेल. ठीक है, एक क्लास एनडीए के ऊपर बेस्ड रखेंगे और एक क्लास हम लोग जेई के ऊपर रखेंगे, जैसा जनरली हम लोग करते हैं. ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में. फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, राइट, आई एम श्योर आप लोग भी कर सकते हैं. देखो मैं क्या कर, आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, क्या करो आप वाई ले लो. तो वाई कितना आ गया बेटा आपके पास, वाई आ गया एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स. राइट, वी आर सपोज टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो नो इश्यूज, लेट मी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फॉर द फर्स्ट टाइम. ये कितना आ गया, दिस इज 3x² एंड टेन एक्स का कितना होता है sec स्क्वायर एक्स. ठीक है, I'll differentiate it one more time, so I get d2y over dx square. इसको और क्या लिख सकते थे बेटा, इसको हम लोग y 2 भी लिख सकते थे. राइट, इस एक्सप्रेशन को हम लोग y 1 भी लिख सकते थे, इस एक्सप्रेशन को हम लोग y डैश भी लिख सकते थे, और ये जो d2y over dx square y2 है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग फर्दर y double dash भी लिख सकते हैं. इन सारे इन सब में आपका comfortable होना बड़ा जरूरी है. ठीक है, ये representation सारी चीजों में ही आपका comfortable होना चाहिए. It all of them represent the same thing. तो अब मैं इसको एक बार फिर से differentiate करता हूँ, 3x square में तो कोई tension ही नहीं है, कितना हो जाएगा 3 into 2x, that means that is 6x. और यहाँ पे क्या आएगा, आपका chain rule आएगा, पहले square का आप करोगे, square का करोगे तो कितना हो जाएगा 2 times sec x. और फिर sec x को differentiate करोगे तो क्या आएगा भाई, what is the definition of sec x, it is sec x into tan x. ठीक है, so certainly the final answer would be 2, अगर आप common ले लें तो ये आ गया आपका 3x और next term आपका हो गया sec square x into tan x. Right, that is how it should have been done. I hope it's easy. Can you show me your hands if that is fine, if you are okay with that. I'm recording the class assuming that today the weather is not very good. So some of you might be having some genuine problem. इसलिए मैं क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ. But still, live class में मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ज़्यादा अच्छा हमारा personal touch रहता है. ठीक है? But yes, for a backup मैं class record भी कर रहा हूँ. ठीक है? मैं ऐसे एक दो examples और भी ले रहा हूँ. So that in case it is not clear, that should be clear in the very next step. हालांकि इसमें कुछ खास नहीं है. तुमने इससे कई अच्छे level के differentiations कर रखे हैं. But still, आइए. कोई भी नई चीज है तो उसको हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से ही हमेशा शुरू करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, क्या करोगे आप, वाई लोगे. ठीक है, व्हाट इज दैट, ई रेज टू द पावर 6x इनटू कॉस ऑफ 3x. क्या आएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल आएगा. राइट, प्रोडक्ट रूल मैंने कई बार बताया है आपको, क्या करते हैं भाई, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिख दूं, y1 चलेगा क्या, y1 लिख देता हूँ. ठीक है, आई एम राइटिंग इट एज y1. तो पहले e की पावर 6x को डिफरेंशिएट करता हूँ, cos 3x को कॉन्स्टेंट रखता हूँ. So e की पावर 6x, e की पावर 6x and into 6, और cos 3x will behave as a constant. And then in the next step when I do plus, then e की पावर 6x behaves as a constant and cos 3x is differentiated. So what is that? That is minus of sine 3x, right? और 3x को करोगे तो कितना आ जाएगा, 3. तो overall अगर आप y1 को थोड़ा सा simplify करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, this will be 6 times e raised to the power 6x into cos of 3x, and this will be minus 3 e raised to the power 6x into sin 3x. देखो यहाँ पे इसको further differentiate करने से पहले मैं strongly इस बात को suggest करता हूँ कि जहाँ कहीं भी तुम्हें y दिखे ना तुम उसको y लिख लो. कहने का मतलब आप इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो दिस एक्सप्रेशन इज एग्जैक्टली व्हाट, दिस इज 6 इनटू y, राइट, दैट मींस y1 ये जो dy/dx है, y1 इज व्हाट, दैट इज dy/dx,
it can be written as 6 times y minus 3 times e raised to the power 6x into sine of 3x. Now, what is the benefit of this? ऐसा मैंने क्यों किया, वाई यहाँ पे क्यों लिख लिया? बिकॉज अब यहाँ पे मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट करता, अननेसेसरली काफी कॉम्प्लिकेशंस आती. यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हेन आई डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मेरा वाई टू होगा और ये क्या बनेगा, वाई वन. वाई वन की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी इस इक्वेशन में है, आई स्ट्रेट अवे पुट इट देयर. बल्कि जो हमने सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है, क्यों ना मैं इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दूं. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई डिड आई डू सो. ठीक है, तो आओ इसको थोड़ा लेफ्ट साइड पे खिसकाते हैं और यहाँ से ये फाइव बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इस फाइव को यहाँ से हटाओ. सो लेट्स कीप इट हियर. ओके, आइए यहाँ से मैं इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन मेरे पास वन ये वाला है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक बार फिर से. तो व्हेन आई डिफरेंशिएट इट वन मोर टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट डू आई गेट, आई गेट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव व्हिच इज वाई टू, और यू कुड हैव रिटन इट एज डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, सिक्स टाइम्स ऑफ वाई वन, राइट. और अब तुम्हें सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है. यहाँ तो तुमने फटाफट से अपना काम रिड्यूस कर लिया, ठीक है. अब जब तुम इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो थ्री इज अ कॉन्स्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता. सबसे पहले ई की पावर सिक्स को करोगे, कितना आ जाएगा, ऐसा करो माइनस थ्री कॉमन ले लो, ठीक है. और इसको डिफरेंशिएट करते वन बाई वन जैसे करते हैं हम लोग, ठीक है. ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी सिक्स टाइम्स ऑफ ई रेज टू द पावर सिक्स एक्स इन टू साइन ऑफ थ्री एक्स. ठीक है, साइन ऑफ थ्री एक्स. एंड फर्दर ई रेज टू द पावर सिक्स एक्स को तो मैं कॉमन ही रहने दूंगा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन थ्री से कितना हो जाता है, कॉस थ्री एक्स, और साथ में थ्री भी आएगा. सो दैट विल बी द डिफरेंशिएशन. अब कुछ नहीं करना बेटा, अब तुम्हें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है. यू जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई दिस. ओके, आइए देखते हैं कितना हो रहा है. तो वाई टू की वैल्यू मैं यहाँ पे वाई वन की वैल्यू सब्सट्यूट करूंगा, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर वन में आ रखी है. ठीक है, लेट अस सब्सट्यूट इट हियर. तो देखो ये कितना हो गया, ये आ गया मेरे पास सिक्स टाइम्स वाई वन है, ध्यान रखना इट इज सिक्स टाइम्स ऑफ वाई वन, और वाई वन मेरे पास ये पूरी वैल्यू है इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, तो देखो मैं इसको सिक्स टाइम्स कर रहा हूँ तो कितना हो गया, दिस इज 36 e. अगर तुम चाहो तो इसको y के टर्म में अभी रहने दो, है ना, जहां पे भी तुम्हें ये e की पावर 6x और cos 6 मिल जाए, यू कैन कीप इट y, राइट, फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन. लास्ट में फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल ये 6 टाइम्स मैंने इसको किया, 6 से मल्टीप्लाई करा इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये मेरे पास कितना आ गया 36, और इसको मैं y रहने दे रहा हूँ, राइट, आई एम कीपिंग इट y ओनली. फर्दर इस 6 से मैं इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी माइनस 18 e raised to the power 6x into sin 3x. I hope that's okay. अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया फिर से, माइनस 18 e की पावर 6x into sin 3x, exactly same expression है ना, sin 3x लिखना चाहिए था मुझे, right, everywhere we have 3x only. तो ये 18 और 18 को मैं 36 कर दूं, ठीक है, because दोनों माइनस साइन के साथ हैं, तो इसको मैं 36 कर रहा हूं, okay? Next term अगर मैं देखता हूं, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, माइनस 9 times e की पावर 6x cos 3x. now cos 3x को मैं क्या लिखूंगा, 9y लिखूंगा. इससे क्या बेनिफिट हुआ, आप ध्यान से देखें, आपको ये पता चल गया कि this is coming out to be 36 minus 9 which is 27y, right, and at this stage you can substitute the value of y as the original expression. What is that, it is e raised to the power 6x cos of 3x. और जहां पे भी जो भी तुम्हें कॉमन मिल रहा है उसको सिंप्लीफाई करने में आपको जरूर से ध्यान रखना है, राइट. जैसे ये e की पावर 6x और sin 3x, ये आपने एक्सप्रेशन को जितना फाइनल स्टेज में आप लेके जा सकते थे आप वहां तक चले गए. अब इसमें बस एक स्टेप और तुम्हें मेरे ख्याल से करना चाहिए, वो ये कि आप 9 e raised to the power 6x को कॉमन ले ले एंड योर टास्क इज डन. क्या रह गया तुम्हारे पास, 3 टाइम्स cos 3x, और यहाँ पे क्या आ गया भाई, 4 टाइम्स sin 3x, दैट इज ऑल. ठीक है, सो दिस शुड बी लेफ्ट एज द फाइनल आंसर, राइट. और एक बार देख लेते हैं, काफी कैलकुलेशन थी तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने कैलकुलेशन सही से की है ना, दैट मैचेस आवर आंसर. ओके, आइए एक बार देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का 5th. ओके, क्विकली आई विल मूव ऑन एंड चेक द आंसर 1 का 5th. वेयर इज द आंसर,
आपके क्वेश्चन हैं इसमें, कोई बात नहीं। सो चलो इसका कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स चेंज द कलर। ओके, फिफ्थ पार्ट, 9 raised to the power 6 ex 3 times cos x 4 times, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है। अगर आप ध्यान से कैलकुलेशन करते हैं तो आपको कहीं भी कोई परेशानी ऐसी नहीं आती है, ठीक है। दीज आर द इजी क्वेश्चंस एक्चुअली, ठीक है। सो आओ एक क्वेश्चन और, जैसा मैंने तुम्हें कहा था ये नाइन्थ क्वेश्चन भी करते हैं। कैन यू शो मी योर हैंड्स इफ दैट इज ओके। ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है तो यू कैन सिंपली रेज हैंड एंड यू कैन लेट मी नो दैट यस लेट अस प्रोसीड अहेड। यस दैट इज वंडरफुल, ठीक है। चिल्ड्रेन प्लीज मेक श्योर दैट यू मेक प्रॉपर नोट्स। मैं रोज इस बात पे एम्फसाइज करता हूँ, प्रॉपरली हर चीज नोट किया करो, ठीक है। बिलीव मी, एग्जाम टाइम पे आपके अपने नोट से बेहतर कोई और चीज नहीं होती रिवाइज करने को। तुम्हारे अभी ये जो तुम मेहनत करते हो ना, ये लास्ट मोमेंट पे तुम्हारा टाइम बहुत सेव करती है। दैट्स द बेस्ट थिंग टू रिवाइज फ्रॉम योर पर्सनल नोट्स, किसी और वीडियो से, राइट, किसी और दूसरे के नोट्स के जेरोक्स से तुम उतनी अच्छी रिविजन कभी नहीं कर पाओगे जितने तुम अपने नोट से करोगे। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉपरली नोट्स मेंटेन करने की हैबिट रखो, लास्ट मोमेंट पे सबसे यूजफुल चीज होती है वो। ओके, कई बार कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा ज्यादा स्मार्ट वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं दूसरे कोई सबसे बढ़िया बच्चा होता है उसके नोट्स का जेरॉक्स करा लेते हैं, बट उससे बात नहीं बनती है, राइट। तुमने जब खुद लिखा है ना तो तुमने उसमें कुछ टाइम लगाया, तुमने टाइम इन्वेस्ट किया है, राइट। तुम जब उसको पढ़ोगे तो दोबारा उसमें टाइम उतना इन्वेस्ट नहीं होगा। दूसरे के नोट्स में तुमने नहीं मेहनत की है। सी अल्टीमेटली तुम्हें जितनी मेहनत करनी है उतनी करनी है, इट्स वेरी सिंपल। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे मूव करेंगे कि हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, उनको कैसे डील करना है। बट एक बार एक बेसिक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, राइट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट अगर किसी को भी थोड़ी भी परेशानी है तो वो यहाँ पे फिनिश हो जानी चाहिए, राइट। log of x डिफरेंशिएट करते हैं, इस बार हम लोग इसको y डैश लेके यूज करते हैं ना, हर बार अलग अलग जो नोटेशन हैं वो लेते हैं। सो वॉट इज y डैश, डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। एक बार जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे चेन रूल लगेगा, पहले log x log of log x करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 by log x, फिर log x को करेंगे तो ये क्या देगा मुझे 1 by x, ठीक है। यानी ये जो एक्सप्रेशन आया आपके पास y1, ये y1 कितना हो गया, y डैश बोल रहे हैं ना, चलो y डैश ही बोलते हैं, तो y डैश कितना आ गया 1 over x log of x, that is what you get. Can I express it in some other form? Yes, I can. What is that? X log of x raised to the power minus 1, ठीक है, कि ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर ऊपर यहाँ पे x square y कुछ भी होता तो ठीक है, हम इसको quotient form में रहने देते, बट अभी क्वेश्चन फॉर्म समझ रहे हो ना, यू बाई वी का फॉर्म, बट अभी क्योंकि ऊपर 1 है तो इट्स बेटर कि आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, थोड़ी कैलकुलेशन कम मिलती है, ठीक है। ध्यान रखना छोटी छोटी चीजों से तुम कैलकुलेशन टाइम अपना काफी रिड्यूस कर सकते हो। और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेट अस डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन वन मोर टाइम। व्हाट डू यू गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू गेट वाई डबल डैश, दैट इज सिंपली व्हाट, d2y over dx square, या फिर y2, या फिर d2y, तुम जो चाहे वो बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो चेन रूल आएगा, सबसे पहले ये कौन सा फंक्शन है, x की पावर n वाला, तो x की पावर n का कितना हो जाएगा n into the entire expression, उसकी पावर minus 1, यानी कितना हो जाएगा -2। तो मैं उसको उठा करके नीचे लिख लेता हूँ, x log of x पावर -2 है तो इसको मैंने ऊपर लिखा, ठीक है, नीचे लिख लिया -2 को। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा चेन रूल से, राइट, मल्टीप्लीकेशन आएगा मेरे पास, मल्टीप्लीकेशन x को मैंने पहले डिफरेंशिएट किया, log x को कांस्टेंट रखा तो मेरे पास log x आ गया, और फिर मैंने x को कांस्टेंट रखा, log x को डिफरेंशिएट किया तो ये कितना हो गया मेरे पास x/x। यानी y2 जो मुझे फाइनली बोलना चाहिए, y डबल डैश जो मुझे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, दिस इज माइनस ऑफ log of x प्लस 1 ओवर x log of x होल स्क्वायर, दैट इज ऑल। आई थिंक इट इज सिंपलीफाइड एनफ टू चेक द आंसर, राइट। इसमें फर्दर और सिंपलीफिकेशन की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि कोई है, ठीक है, इतने से ही हम लोगों को आंसर चेक कर लेना चाहिए। और एक बार फिर से इसका आंसर मैं चेक करता हूँ, दिस इज द 9th क्वेश्चन, सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द आंसर। ये देखते हैं, ये कंट्रोल वी कलर चेंज कर देते हैं, सो लेट्स सी, दिस वाज 9th, राइट, दिस इज योर 9th क्वेश्चन माइनस, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप ध्यान से करते हैं तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस में आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेट मी
take you to the next type of question, which is certainly more important, right? This is what second order derivatives of parametric form. Parametric form तुमने पढ़ रखा है, but जब तुम्हें इसमें second order निकालना है, मैंने तुम्हें बता दिया ये चीज बहुत clearly कि तुम्हें board में second order तक के ही questions अभी तक आए हैं, है ना? अगर third order, fourth order आ भी जाए तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है. देखो वो कितने easy questions होते हैं, ठीक है? बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पहले पैरामीटर, पहले डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, फिर देख लेंगे जो भी डाउट्स होंगे उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट ऑफ ऑल. इन दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू हेल्प यू विद द टाइप दैट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव व्हिच इन्वॉल्व्स पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहले सीख रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म को इक्वेट करने का, ये क्या दे रखा है आपके पास, x इज इक्वल टू a sec थीटा, दैट इज योर x. And y is given as b tan theta. So we know कि हमें d2y over dx square अगर चाहिए, तो हमें ये बात तो मालूम है कि हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा, dy by dx निकालना पड़ेगा. And dy by dx we understand is nothing but dy over d theta and dx over d theta. सबसे पहली चीज तो ये, मुझे उम्मीद है आपको ध्यान होगी, because ये आपने पहले ही last chapter में कर रखा है, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से dx by d theta लेके आऊंगा, right? What is dx over d theta? This is sec theta का representation कितना होता है बच्चों? It is sec theta into tan theta. So a being a constant is remains as it is, और sec theta कितना हो जाता है? Sec theta into tan theta. So that is how I write that. ठीक है? आप अगर चाहें तो examination answer sheet में इस तरीके से equation one equation two लिख लेना. Similarly, ये तुम्हारा dy by d theta तुम यहाँ calculate करोगे. Tan theta का कितना होता है बच्चों? That is sec square theta. ठीक है? So from equation 1 and equation 2, that is what you'll write in your explanation, right? Answer sheet में, your answer sheet should speak. वहाँ पे आप नहीं बोल रहे होंगे, आपके answer sheet में सारी बातें बोलनी चाहिए. ठीक है? तो from 1 and 2, dy by dx is equal to this, and then you'll write the expression. कितना हो जाएगा बेटा? This is going to be b sec square theta, and ये कितना हो जाएगा, a sec theta into tan theta. ठीक है? इसमें से ये वाला sec theta क्यों ना हम लोग cancel कर दें, ठीक है? dy by dx है, और ये तुमने sec theta tan theta b by a लिया, इसको भी तुम अगर ध्यान से देखो बेटा, तो वो sec theta होता है तुम्हारा 1 by cos theta, और tan theta क्या होता है, sin theta by cos theta. तो cos theta दोनों जगह पे cancel हो रहे हैं ना, हमारे पास बन क्या रहा बेटा, यू आपके पास आ रहा है ये b by a sin theta. ठीक है? आई होप दैट इज ओके. ठीक है? लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 3. लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 3. आप अगर चाहो तो ये sin theta जो नीचे है ना, आप क्यों ना इसको cosec theta ऊपर ले लो, है ना? इससे क्या फायदा होगा कि हमें कोई quotient रूल या कोई प्रोडक्ट रूल, चेन रूल कुछ लगाना नहीं पड़ेगा. ठीक है? तो sin theta है तो आई विल प्रेफर राइटिंग इट cosec theta इन द न्यूमरेटर. ओके Children, is it fine till this point? Right, I'm being very slow as today is the first class. So, my speed apna pace bilkul slow rakh raha hu. In case there is any problem, please don't hesitate. Use the chat box, use the mic, okay? Fine. So, ab kyunki mujhe d2y over dx square chahiye, right? So, quite obvious, main ab isko differentiate karunga. But problem kya hai, jo last jo humne questions kiya hai aur ab jo question kar rahe hain, ye parametric form hai. यानी हम इसको तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? मेरे पास यह यहाँ पे कितना आ रहा है लेफ्ट साइड पे, dy by dx का मुझे dy dx निकालना है, दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. और जो भी मैं लेफ्ट साइड पे करूंगा वही राइट साइड पे करूंगा, सर्टेन सी बात है. ये मेरे पास कितना है, b by a cosec theta. बट हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमारे पास यहाँ पे थीटा है, पैरामीट्रिक फॉर्म है. तो क्या इस तरह के क्वेश्चन हमने किए? सर्टेनली कर रहे हैं बच्चों, सर्टेनली कर रहे हैं. देखो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, इसमें हम लोग क्या करते थे कि हम यहाँ पे डी थीटा ले लेते थे, और डी थीटा हमने अगर नीचे लिया तो इसको क्या बोलते थे, डी थीटा बाई डी एक्स, एक टर्म एक्स्ट्रा जाता था. आई होप यू रिमेम्बर दैट. ओके, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू गेट वॉट इज द डिजायर्ड एक्सप्रेशन, दैट इज डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू जस्ट गेट वॉट, डी बाई ए into cosec theta. Cosec theta ka d by d theta karna hai tumhe. To cosec theta ka kitna hota tha bhai? It is minus of cosec theta into cot theta. It is minus of cosec theta into cot theta. Okay?
अब ये डी थीटा बाई डी एक्स क्या करें, कोई टेंशन नहीं है, इक्वेशन नंबर वन पे देखो ना, यू हैव डी एक्स बाई डी थीटा, सो कांट यू गेट वॉट इज डी थीटा बाई डी एक्स, सर्टेनली क्या हो जाएगा उसका एग्जैक्टली रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिया, ठीक है, बिकॉज डी एक्स बाई डी थीटा अगर ए सेक थीटा टेन थीटा है तो डी थीटा बाई डी एक्स कितना होगा, वन बाई ए, राइट। तो ये वन बाई ए से बना, मुझे ए स्क्वायर मिला, राइट, और यहाँ पे मैंने लिखा sec theta into tan theta, ठीक है, that is what I get. But क्या is it the final answer? No, certainly not. अभी देखो मैं answer तक तो नहीं पहुंच पा रहे, कोई बात नहीं, but we are very close, right? We have done the main part. अब सिर्फ simplification रह गई है, ठीक है, you are done with the main part. तो देखो आओ इसको simplify करते हैं बच्चों, ये आपके पास constant minus b by a square है, इस tan theta को उठा करके अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये cot theta बन जाएगा, मतलब cot square theta हो जाएगा। और ध्यान से देखना भाई, ये तुम्हारे पास है 1 by sin theta और ये है 1 by cos theta, यानी ये बनेगा क्या cos theta by sin theta, मतलब ये भी cot theta बन रहा है, that means you are getting cot cube theta, what are you getting, you are getting cot cube theta, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं आंसर देता हूँ देखता हूँ तो मुझे सारी चीजें कांस्टेंट में नजर आती है, थीटा वाली चीज तो है ही नहीं, मतलब मुझे कुछ भी करके ये थीटा यहाँ से हटाना है, तो कॉट थीटा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन हाँ टैन थीटा है या फिर सेक थीटा है, तो कॉट थीटा से सेक थीटा बनाना आसान है कि टैन थीटा, सर्टेनली टैन थीटा, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ माइनस बी ए स्क्वायर एंड टैन क्यूब थीटा इन द डिनोमिनेटर, टैन क्यूब थीटा को मैं क्या लिखूंगा बेटा, वाई बाई बी, यानी वाई क्यूब ओवर बी क्यूब, is it the desired expression, yes it is, it is minus b raised to the power 4 into a square y cube, so that is how you deal with parametric forms, theek hai, agar aapko ye wali baat samajh mein aa gayi hai to badi achhi baat hai, if anyone want me to repeat they can tell me right now so that I can take up one more example after this, is type ka ek example hum log aur lenge so that we are more comfortable in these type of questions। इसमें सिर्फ एक चीज तुम्हें एक्स्ट्रा आ रही है, वो है ये वाली चीज जो तुम्हें ध्यान रखना है, राइट, बिकॉज आप इसको विद रिस्पेक्ट टू dx डिफरेंशिएट करते हो तो आपको पता है पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू जिससे हमें डिफरेंशिएट करना है उसका एक पैरामीटर फॉर्म लेना होता है, ठीक है। तो ये d थीटा बाई dx यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा जिसकी वैल्यू आप यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, बस इतनी सी चीज एक्स्ट्रा है, बाकी सब तो सिंप्लीफिकेशन है। शैल आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, सिंपली रेज योर हैंड इफ यू वांट मी टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो आयुष, तुम टाइप कर दो बेटा, तुम्हारी आवाज बहुत क्रैक हो रही है, आप टाइप कर दो बेटा, आपकी आवाज क्रैक हो रही है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप टाइप करके बता दो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये सेकंड डिफरेंशिएशन जहाँ से किया है वहां से एक और बार बता दीजिए। अच्छा चलो भाई देखते हैं, इनकी आवाज तो बड़ी क्लियरली आ रही है तो एक बार से फटाफट से सुन के इनकी बात को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि आप सर एक बार फिर से जो सेकंड डेरिवेटिव वाला पार्ट है वो फिर से कर लीजिए। देखो बेटा फिर से करते हैं, मैं पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना। पहले जो क्वेश्चन था वो तो मैंने एज इट इज लिखा पैरामेट्रिक फॉर्म का, राइट, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा दे रखा है और कॉट क्यूब थीटा की जगह, कॉट क्यूब थीटा की जगह, हाँ कॉट क्यूब थीटा की जगह पे क्या हुआ वो सब बताता हूँ। देखो मैं सारी चीजें फिर से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक है। लाइट मेरे एंड पे चली गई है तो थोड़ा सा डार्क हो गया है, बट इट्स ओके, नो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्रीन तुम्हें बहुत क्लियरली दिख रही होगी। देखो तो x is equal to a sec theta, y is equal to b tan theta है, आपको निकालना क्या है d2y over dx square निकालना है, तो क्वाइट ऑब्वियस सबसे पहले तुम्हें dy by dx निकालना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चंस तुमने कर रखे हैं। dy by dx निकालने के लिए क्या करना होता है, dy by d theta और dx by d theta, जो मैंने यहाँ पे किया फटाफट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मेरे पास एक्सप्रेशन कितना आया b by a cosec theta, ये मुझे क्या मिला dy by dx मिला। आई होप इस पॉइंट तक आपको कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज ऐसे आपने कई क्वेश्चन इससे बेहतर क्वेश्चन भी आपने कर रखे हैं लास्ट चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद अब मुझे इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने dy by dx को विद रिस्पेक्ट टू dx फिर से डिफरेंशिएट किया, d by dx ऑफ dy by dx, राइट साइड पे भी d by dx ही करेंगे, है ना, ये मेरे पास कितना आया था, ये मुझे dy by dx करना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि यहाँ मेरे पास वेरिएबल थीटा है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं d थीटा यहाँ पे लेते हैं और d थीटा यहाँ पे लेते हैं और dx as it is नीचे रह जाता है, तो ये क्या बन जाता है d by d थीटा of this expression and you have d थीटा by dx। तो यहाँ तो simple differentiate करना है cosec थीटा को, cosec थीटा की differentiation कितनी होती है minus cosec थीटा into cot थीटा,
और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने कहां से सब्स्टिट्यूट की, इक्वेशन नंबर वन से. इक्वेशन नंबर वन में हमारे पास है डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी थीटा बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल, दैट मींस 1 ओवर a sec थीटा tan थीटा. बस वो वैल्यू मैंने उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की. तो ये जो 1 b बाई a था ये 1 बाई a, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर हो गया और sec थीटा tan थीटा एज इट इज आ गया. और ये तुम्हारा ये डिफरेंशिएशन था. फिर इसके बाद सिंपल ट्रिगोनोमेट्री लगाइए बच्चों. ये तुम्हारे पास cot थीटा है, ये तुम्हारे पास tan थीटा है. tan थीटा को ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, tan ये cot थीटा बन जाएगा, तो ये cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा. इसको उठाए ऊपर ले गए तो ये क्या है बेटा, 1 by sin थीटा, और ये क्या है 1 by cos थीटा, मतलब cos थीटा by sin थीटा आ गया. cos थीटा by sin थीटा फिर से क्या होता है, cot थीटा. तो ये पूरी चीज क्या बन गई, cot स्क्वायर थीटा into cot थीटा is what, cot cube थीटा. ओके, अब सोचना ये है कि हमें जो आंसर चाहिए वहां पे कोई थीटा वाला टर्म नहीं है, यानी हमें ये cot cube थीटा कुछ करना पड़ेगा. तो cot cube थीटा तो मेरे पास यहां दिख नहीं रहा है, बट हां tan थीटा और sec थीटा दिख रहा है. तो cot को tan में कन्वर्ट करना ज्यादा इजी समझ में आता है, ठीक है. तो tan थीटा कितना है भाई, y by b. तो मैंने cot cube थीटा को नीचे लिख लिया, tan cube थीटा बन गया, 1 by tan cube थीटा हो जाएगा ना cot cube थीटा. भाई ये जो cot cube थीटा है इसको उठा करके मैं नीचे tan cube थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, और ये tan cube थीटा की वैल्यू कितनी है, y by b, tan थीटा y is y by b, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा, कितना हो गया y cube by b cube. तो ये एक्सप्रेशन कितना आ गया जो तुम्हें चाहिए, b raised to the power 4 a square into y cube. आई होप दैट इज ओके चिल्ड्रन. शैल आई प्रोसीड अहेड, जस्ट शो मी योर हैंड्स इफ दैट इज ओके. फाइन, I'll take up one more example. एक example और लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है, right? बहुत relax होके करना है, ढंग से करना है, ठीक है? आइए, let us take up one more example and parametric form का ही लेना चाह रहे हैं. चलो 10th question देखते हैं, right? Let's see 10th question, right? आइए देखते हैं इसको कैसे करना है और कैसे पहुंचना है. I'll do it for you. देखो, parametric form है, नहीं parametric form नहीं है, ये तो cos x वाला form है. हम parametric form ही करना चाहते हैं, ठीक है? कोई issue नहीं है. तो 11th क्वेश्चन तो बड़ा सिमिलर सा लग रहा है, ये तो वही लग रहा है जो अभी हमने किया है ना. इट इज एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, इन्होंने डिफरेंट है, यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा है. चलो कुछ कुछ cos में कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज ओके, राइट? बट सिमिलर टाइप है, तो मैं इसको स्किप करके कोई और दूसरा टाइप क्वेश्चन ढूंढना चाहता हूँ, जिस जो हम लोगों ने अभी बिल्कुल डिस्कस ना किया. जैसे और 12th क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? ये पैरामीट्रिक फॉर्म भी है, राइट? इसमें पैरामीटर भी है, क्वेश्चन भी इंटायरली डिफरेंट है, और यहाँ पे हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए व्हेन थीटा इज पाई बाई सिक्स, ठीक है? तो आइए इस क्वेश्चन को पिक करते हैं, देखते हैं कैसे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं. लेट अस सी. तो एज यूजुअल पहले क्या करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स तक पहुंचना है. उसके लिए हमें डी एक्स बाई डी थीटा चाहिए. तो देखो, मैं ये जो एक्सप्रेशन है ए वन माइनस कॉस क्यूब थीटा, दैट इज अवर एक्स, ठीक है? यहां से हम लोग ऐसा करते हैं, dx by d theta कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है? dx over d theta. So a being a constant, let it be there, and one is a constant, उसकी डिफरेंशिएशन हो गई जीरो, और माइनस cos क्यूब थीटा की पहले क्या, पहले x की पावर n लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? और फिर आप cos थीटा को डिफरेंशिएट करोगे, वो कितना आएगा, माइनस sin थीटा. तो ये माइनस माइनस तुम्हारे पास प्लस हो जाएगा, यानी dx by d theta की वैल्यू कितनी आ रही है, मैं यहीं पे सिंपलीफाई करके लिख दूं, दिस इज 3a, दिस इज 3a cos स्क्वायर थीटा into sin थीटा, ठीक है? मैं इसको अभी फिलहाल इतना ही रहने दूंगा, आई विल कीप इट लाइक दिस, ठीक है? तो ये मैंने dx by d theta की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर ली, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली y की वैल्यू मूव करते हैं, y कितना दे रखा है मेरे पास, a sin cube थीटा दे रखा है बच्चों. तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें dy by d थीटा कैलकुलेट करने में. dy by d थीटा कितना हो जाएगा बेटा, a is a constant, पहले तो x की पावर n वाला आएगा, मतलब ये कितना हो गया, 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों, दैट इज cos थीटा, दैट इज आवर dy by d थीटा. लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 2. From equation number 1 and 2, we'll calculate what? We'll calculate what is dy by dx. I've told you several times, answer sheet mein ye likhna mat bhoolna. Straight away divide karne ki bajaye, ek line ye zaroor se likhna bachcho. Don't miss it, okay? Iske marks hote hain, theek hai? Boards ki baat kar raha hu main, theek hai? Competition mein to koi tension hi nahi hai, koi nahi dekhta tumne kya likha, kya nahi likha. Answer sahi hai to sahi hai, varna koi baat nahi. Okay,
तो अब मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्लियरली दिख रहा है कि 3a कॉमन हो रहा है. मैं थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है. तो 3a कॉमन है, साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है, जो बचेगा सिर्फ वो वाला टर्म लिख देता हूँ, ठीक है. यहाँ मेरे पास एक साइन थीटा वाला टर्म बच रहा है और दूसरे वाले में मेरे पास कॉस थीटा वाला टर्म बच रहा है, यानी dy by dx की वैल्यू मेरे पास बड़ी अच्छी से आ गई, विच इज tan थीटा. मजा आ गया ना, इट्स वंडरफुल. अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 को आई नीड टू डिफरेंशिएट इट वन मोर टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, बिकॉज वी नीड d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है. सो आइए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3, राइट. ये सब चीजें तुम लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ, स्पेस कम है तो अभी लिख नहीं रहा, ठीक है. तुम ये सब लिखना, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन मोर टाइम. तो यहाँ तुम्हारे पास क्या आ गया, दिस इज d2y ओवर dx स्क्वायर, ये तुम्हारा सिर्फ tan थीटा है, सो दैट इज वंडरफुल. tan थीटा की डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप इसमें क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा, एंड डोंट फॉरगेट दैट यू हैव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो साथ में तुम्हारे पास क्या आएगा, d थीटा बाय dx. और इस d थीटा बाय dx की वैल्यू कहां से लाओगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. सो लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. ये आ गया आपके पास sec स्क्वायर थीटा, और ये इसका रेसिप्रोकल आएगा ना, बिकॉज यहाँ dx by d theta है बेटा, और तुम्हें d theta by dx चाहिए, मतलब ये चीज पूरी डिनोमिनेटर में आएगी. सो दैट इज थ्राइस ऑफ a cos square theta into sin theta. क्योंकि तुम्हें वैल्यू चाहिए तो अब इसको कुछ भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू में तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट. नो सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड, जस्ट पुट द वैल्यूज राइट एंड सी व्हाट इज कमिंग आउट एज द आंसर. तो थ्राइस ऑफ a तो एज इट इज आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है. और पाई बाई सिक्स यानी कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कॉस थीटा कितना होता है, 30 डिग्री पे कॉस थीटा हो जाता है मेरा √3/2. तो इसको अगर मैं ये ऊपर ले जाऊं तो ये पावर 4 हो जाएगा, तो ये √3/2 का पावर 4, दैट इज आवर. ये मैंने क्या किया, मैंने इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को सॉल्व किया है, ठीक है. फिर साइन थीटा मेरा नीचे ही है, तो साइन थीटा नीचे है तो साइन थीटा मुझे पता होना चाहिए कि साइन पाई बाई सिक्स यानी कि साइन 30 डिग्री हाफ, ठीक है. अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज गलत कर दी, यहाँ पावर 4 लेना चाहिए था ना, बिकॉज स्क्वायर यहाँ पे और स्क्वायर यहाँ पे, तो पावर 4 लेना चाहिए था मुझे. ओके, सो सिंप्लीफाई करो भाई, ये 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर करोगे तो फर्दर कितना हो जाएगा, 9. और यहाँ तुम्हारे पास कितना आएगा, ये वाली चीज हो जाएगी तुम्हारे पास 2 की पावर 4 यानी कि 16, ठीक है. नीचे तुम्हारे पास 3 times of a है, और ये जो 1/2 का 2 है ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. सो दिस इज गॉन बाय 3, दिस इज गॉन बाय 8. तो फाइनल आंसर जो सिंप्लीफाई करके हमारा आ रहा है, ये आ रहा है 3 times over 8a, जबकि इनका तो कुछ और आ रहा है यार. सर sec थीटा 2/√3 हो जाएगा ना, आपने cos थीटा लगा दिया. ओह यस, बिल्कुल सही कहा बेटा, थैंक यू सो मच. राइट, हमने यहाँ cos की पावर 4 थी, sec की पावर 4 थीटा ऊपर लगाया ना, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मुझे 2/√3 लेना चाहिए था. बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, 2/√3 लेना, मैंने cos थीटा लगा दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है. तो आइए फटाफट से जरा सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे. राइट, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारे पास 16/9 हो जाएगा, ठीक है. 16/9, 9 तुम्हारा नीचे ही रहेगा, 3 times a तुम्हारा ऑलरेडी नीचे, और हाफ का ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा. सो दैट इज ओके, बिल्कुल सही है. सो इट इज 32 एंड इट इज 27a. आई होप अब ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे होंगे दो एग्जांपल्स के बाद, ठीक है. इफ इट इज ओके यू कैन क्विकली रेज द हैंड टू सिग्नल मी दैट आई शुड मूव अहेड, राइट. अगर ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आपने प्रॉपर्ली लिख लिया है, तो लेट अस मूव ऑन टू सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन नाउ, ठीक है. एक एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो तुम्हें, बिकॉज देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में अगर तुमने बुक देखी है, यू जस्ट हैव वन एक्सरसाइज ऑन दिस, राइट. इट्स अ सिंगल एक्सरसाइज, बट हाँ, ये सिंगल एक्सरसाइज में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं, है ना, जो कि हमारे एनसीईआरटी से हैं, एग्जाम्पलर से हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड के हैं, ठीक है. तो वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आई डोंट वॉन्ट टू स्किप इवन अ सिंगल टाइप, ओके. देखिए जैसे एक और क्वेश्चन पिक करते हैं, ये कौन सा टाइप है, प्रूविंग रिलेशंस इन्वॉल्विंग वेरियस ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स. इसमें कुछ ना कुछ वेरियस ऑर्डर मतलब मोर देन वन ऑर्डर, ठीक है, मोर देन वन ऑर्डर. जैसे ये क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 ऑर्डर में, 17 क्वेश्चन में आपके पास क्या है, राइट, एग्जांपल नंबर 29 ऑन पेज 12.15 देख लेंगे बेटा.
समृद्धि, आई थिंक मैंने उस क्वेश्चन को जरूर से रखा है बिकॉज मुझे भी वो क्वेश्चन काफी अच्छा लगा था. आई थिंक दैट इज एट अ लेटर स्टेज 29th, आई थिंक दिस इज व्हाट यू वांट मी टू टेक अप, राइट? तो इट इज देयर इन द लिस्ट, इट इज देयर इन द स्लाइड, राइट? तो इसको देख लेंगे, राइट? जब इसकी बारी आएगी तो देख लेंगे. बिल्कुल अभी हम लोग सिक्वेंशियली मूव कर रहे हैं सो दैट दोज हु हैवंट डन इट उनको भी प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, ठीक है? सो हैव पेशेंस, वी विल मूव देयर, वी विल रीच देयर. दैट क्वेश्चन इज वेरी मच देयर ऑन द स्लाइड शो. 17 क्वेश्चन पे फिलहाल अभी मूव कर रहे हैं. देखो इसमें क्या है, जब तुम्हारे पास डिफरेंट ऑर्डर के पैरामेट्रिक फंक्शंस को आपको प्रूव करना होता है उसमें क्या करोगे, ये वाली चीज देखनी है, ठीक है? अब यहाँ पे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी है और डी वाई बाई डी एक्स और उसका होल स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस में कैसे डील करेंगे, देखो इनिशियल स्टेप्स तो वही रहेंगे, है ना? ऐसे क्वेश्चंस जनरली जब आते हैं तो ये 6 मार्क्स में होते हैं, राइट? जनरली मतलब 4 मार्क्स तो कहीं नहीं जाता, 4 मार्क्स तो है ही है, लेकिन हाँ जनरली आपको 6 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा दिखते हैं, ठीक है? तो सर्टेनली इनका जो लेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है वो कई बार थोड़ा लंबा होता है, बट बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेशेंटली तुम्हें करना है सो दैट यू कैन गेट ऑल द मार्क्स प्रॉपरली करना है. देखो 17 क्वेश्चन में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देखना. पहले स्टेप्स वही रहेंगे, क्या हमें डी वाई बाई डी एक्स जैसे हम पहुंचते हैं वैसे ही पहुंचेंगे. एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा है, कोई टेंशन नहीं है, हमने डी एक्स ओवर डी थीटा कैलकुलेट कर लिया. कॉस थीटा का कितना आ गया मेरे पास, माइनस साइन थीटा. स्टेप नंबर 1, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? स्पेस कम है यहीं पे, दूसरा वाला भी कर लेते हैं, ठीक है? y is equal to sine cube theta, y is equal to sine cube theta. तो यहीं पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं dy by over d theta. What is that? पहले x की पावर n लगेगा, that is 3 of sine square theta. और sine theta का representation कितना लिख लेंगे हम लोग, cos theta. Let us call this as equation number 2, ठीक है? From equation number 1 as well as 2, dy by dx is equal to dx by d theta over dy by d theta over dx by d theta, ठीक है? वो लिख लेना, मैं यहाँ पे अगेन स्पेस कम होने की वजह से डायरेक्टली कर रहा हूँ. तो ये मेरे पास आ गया 3 sin square theta into cos theta और यहाँ मेरे पास आ गया माइनस sin theta. ये वाला sin theta है, ऊपर वाले sin theta से कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरे पास dy by dx आ रहा है 3 times sin theta cos theta with negative sign, that is what I get, ठीक है? यहाँ से मुझे dy by dx की जो वैल्यू मिल रही है, सिंपलीफाई करके अगर मैं इसको लिखूँ, देखो मुझे राइट साइड पे, मैं देखो हमेशा इस पे नजर होनी चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है. जो प्रूफ करना है वहां पे मुझे सिर्फ sin theta cos theta का फॉर्म दिख रहा है, तो मैं इसको अभी ऐसे ही रहने दूंगा. आई विल कीप इट लाइक दिस. दिस इज 3 टाइम्स ऑफ sin theta into cos theta, ठीक है? लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 3. Now, we need d2y over dx square, okay? So certainly, I'll differentiate equation number 3 one more time with respect to x, okay? I'm differentiating equation number 3 with respect to x. On the left-hand side, what do I get? I get d2y over dx square is equal to, अब यहाँ क्या आएगा? Product rule आएगा. Minus 3 को मैंने as it is common रखा, मैंने sin theta को differentiate किया, तो मुझे मिला cos theta. क्या आ गया मेरे पास, cos theta into ये वाला cos theta which is cos square theta. फिर मैंने sin theta को constant रखा और cos theta को differentiate किया, तो मुझे क्या मिला, minus sin theta. So what do I get? I get minus sin square theta, ठीक है? और let us not forget, एक term मुझे और मिलेगा parametric form का. ये वाला step कभी मत भूलना. This is one step जहां अक्सर बच्चों से गलतियां होती हैं, आप इसको miss कर देते हैं. ये क्या होने वाला है, d theta by dx, ठीक है? अब इस d theta by dx का क्या करें, ये तो हमें यहाँ से देखना पड़ता है, राइट? d theta by dx का क्या करना पड़ेगा, ये हमें यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट? अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो ये आपके पास आ गया माइनस 3 और cos square theta into this, let us write it here, राइट? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस में एकोमोडेट कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ गया प्लस 3 by sin theta. Because this term will come in the denominator, और ऊपर मेरे पास रह रहा है cos square theta minus sin square theta, ठीक है? That is what you have. अब क्या करोगे? अब कुछ खास नहीं करना है तुम्हें. अब जो भी तुम्हें प्रूफ करना है तुम उसका LHS ले लो, ठीक है? At this stage you move on with what has to be proved.
ठीक है, तुम्हारे पास दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस जो तुम्हें चाहिए वो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में अवेलेबल है, राइट? तो नाउ यू कैन सर्टेनली मेक अ मूव विद द LHS, ठीक है? तो आइए मैं LHS के साथ इस क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करता हूँ। देखो LHS में मेरे पास दे रखा है y टाइम्स d2y ओवर dx स्क्वायर। तो d2y ओवर dx स्क्वायर की मैं यहाँ पे वैल्यू रखना चाहूंगा जो मैंने अचीव की है। ये कितना हो गया, 3 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, dy/dx का स्क्वायर। ओके, dy/dx का स्क्वायर अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये मुझे प्लस मिलेगा एंड दिस विल बी 9 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, अब इसके बाद क्या करें बच्चों, अब इसके बाद तो कुछ खास करना नहीं है, तुम्हें सिर्फ इसको सिंपलीफाई करना है। ओके, यू जस्ट नीड टू सिंपलीफाई दिस। तो चलो देखते हैं करके क्या यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अच्छा, एक हमने ये जो y वाला जो टर्म है ना, ये y वाला टर्म, यहाँ देखो यहाँ पे ये y वाला टर्म है जो हमने इसको y के फॉर्म में रखा हुआ है। अगर इस y को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर तक पहुंचना और बहुत ईजी हो जाएगा। वाई कितना है मेरे पास, साइन क्यूब थीटा है। तो वाई नॉट पुट द वैल्यू ऑफ वाई हियर, ठीक है? मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू रख देता हूँ विच इज साइन क्यूब थीटा। अब देखो ये साइन क्यूब थीटा और ये वाला साइन थीटा अगर मैं एडजस्ट करूं तो मेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड टर्म, आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चन, ठीक है? देखिए यहाँ पे आपके पास कितना आ गया बेटा, दिस इज 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? और माइनस आपके पास कितना आ गया, 3 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है? और ये तुम्हारा प्लस 9 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स और 9 टाइम्स ये कितना हो गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 12 टाइम्स, लिख दूं? ठीक है, मैं इसको 12 टाइम्स लिख देता हूं, आई विल राइट इट 12 टाइम्स, ठीक है? ये मैंने इसको 12 टाइम्स लिख लिया और ये मेरे पास यहां तक ये वाली चीज आ गई, ठीक है? अब देखते हैं क्या बचता है, लेट अस सी। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं और 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, ठीक है? बिकॉज दोनों में 3 का मल्टीपल दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीपल ले रहा है, तो मैं 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ मेरे पास कितना आ गया, दिस इज 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? दैट इज व्हाट यू हैव, ठीक है? मेरा स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है बट आई थिंक अगर मैं तुम्हें ओरली ये बता दूं कि 3 साइन स्क्वायर थीटा तुमने अचीव कर लिया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, इस साइन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे तुम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा, एग्जैक्टली तुम्हें क्या मिल जाएगा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड दैट विल बी ऑल। इफ इट इज ओके प्लीज शो मी योर हैंड्स अप इफ दैट इज फाइन। समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से करना है, सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है बट मुश्किल नहीं है। तुम अगर पेशेंटली हर चीज को सही तरीके से सब्स्टिट्यूट करते जाओ कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोगों ने ऐसे कई क्वेश्चंस कर रखे हैं बच्चों, ठीक है? हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है और कैलकुलेशन को ध्यान से करना जरूरी है, राइट? अब यहाँ पे जैसे वाई अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो यहाँ आंसर तक पहुंचने में परेशानी हो जाती, छोटी छोटी चीजों का भाई कहाँ पहुंचना है इसका ध्यान रखा है, अकॉर्डिंगली हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले गए, ठीक है? सो आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? लेट्स सी इफ वी कैन डिस्कस अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 22 आई थिंक शायद एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जांपलर का होगा, चलो इसको भी देखते हैं, राइट? थोड़ा सा अब ये वेरियस प्रूविंग वेरियस टाइप ऑफ रिलेशंस है ना, अलग अलग डिफरेंट ऑर्डर के। अब जैसे देखो यहाँ सेकेंड ऑर्डर भी है, फर्स्ट ऑर्डर भी है, वाई भी है ना, सब कुछ है। तो इस तरह की चीजें कुछ अगर प्रूव करने को आ जाए तो क्या करना होगा, आओ देखते हैं, लेट अस सी। सो 22nd क्वेश्चन में हमारे पास y क्या दे रखा है, y इज गिवन एज 3 टाइम्स cos ऑफ log ऑफ x, दैट इज योर y। और एक और है, कोई बात नहीं, दिस इज 4 टाइम्स sin ऑफ log ऑफ x, बहुत बढ़िया। हमें दो बार इसको डिफरेंशिएट करना है, y1 y2 के फॉर्म में ही लेते हैं, है ना? y1 इज व्हाट, व्हेन यू डिफरेंशिएट द फंक्शन वंस विद रिस्पेक्ट टू x, सो लेट अस डू दैट। इसमें क्या लगेगा बेटा, चेन रूल लगेगा, इट्स अ कंपोजिट फंक्शन, cos ऑफ log ऑफ x। तो पहले हमेशा चेन रूल लेफ्ट साइड से लगाते हैं, पहले cos पे लगाएंगे, cos का कितना हो जाता है माइनस साइन, यानी कि ये बन जाएगा मेरा माइनस
थ्री टाइम्स साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स. और फिर क्या करेंगे, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे. लॉग की डिफरेंशिएशन कितनी होती है बेटा, इट इज एक वन बाई एक्स. ठीक है, सिमिलरली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट विल बी फोर. साइन का कितना हो जाता है कॉस, एक्स की जगह पे लॉग एक्स है तो लॉग एक्स रहेगा और लॉग एक्स कितना हो जाएगा वन बाई एक्स. बहुत बढ़िया, इस तरीके से तुम यहाँ पहुंच गए. अब देखो ये वाई वन और ये थ्री टाइम्स कॉस एक्स लॉग एक्स. अब मेरे पास दो रास्ते हैं, एक्स क्योंकि यहाँ पे है तो मैं इसको सर्टेनली एलसीएम में लेना प्रेफर करूंगा, है ना, दोनों जगह पे एक्स है तो मैं सर्टेनली एक्स को एलसीएम में लेना प्रेफर करूंगा. अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं एक्स को इधर मल्टीप्लाई करूँ या फिर मैं यहीं पे क्वोशेंट रूल लगा दूँ. ठीक है, यहीं पे या तो मैं क्वोशेंट रूल लगा दूँ या फिर मैं एक्स को इधर मल्टीप्लाई करूँ. तो मैं तो ये चाहूंगा कि क्वोशेंट रूल से ज्यादा इजी मुझे मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है. ठीक है, क्वोशेंट रूल से ज्यादा इजी मुझे कौन सा लगता है, मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है. तो मैं इस एक्स को उठा करके लेफ्ट साइड पे ले जाना प्रेफर करूंगा. आई विल प्रेफर दिस एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, राइट. आई विल रादर राइट इट एज एक्स इनटू वाई वन व्हिच इज डिवाइड बाय डीएक्स एंड सो ऑन, राइट. दैट इज व्हाट आई विल प्रेफर. ठीक है, नाउ आई विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन वन मोर टाइम, राइट. आई विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन वन मोर टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट रूल आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे. पहले मैंने एक्स को डिफरेंशिएट किया, वाई वन कॉन्स्टेंट रहा, एक्स की डिफरेंशिएशन वन होती है. फिर मैंने एक्स को कॉन्स्टेंट रखा और इसको डिफरेंशिएट किया वाई वन को, तो वाई वन की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, वाई टू. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ओके. दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए. साइन का कितना हो जाता है, कॉस हो जाता है और ये माइनस थ्री एज इट इज इंटैक्ट रहेगा. दैट विल बी कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स, राइट. और log x का कितना हो जाएगा बच्चों, that will be 1 by x. Then you will differentiate cos, तो cos का minus sign होता है, तो ये minus 4 times sine of log of x. और log x का कितना है भाई, it is 1 by x. Perfect, right? तो यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए. अब क्या करें, अब तो कुछ खास करने को दिख नहीं रहा, सब कुछ बहुत easy सा लग रहा है. ध्यान से देखो, ये x तुमने फिर से LCM लिया, x तुम पूरे में कॉमन ले लो ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. और अगर ये माइनस साइन में बाहर ले लूं तो ये बीच में क्या आ गया, प्लस. अब ये एक्सप्रेशन देखो तुम्हें बहुत इजी नहीं लग रहा, दिस इज वाई वन, दिस इज एक्स टाइम्स वाई टू. एंड ऑन द राइट हैंड साइड इफ यू लुक एट द, इफ यू कंपेयर इट विद द ओरिजिनल गिवन वाई, इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ वाई ओवर एक्स. सो अब यहाँ पे क्या करना रह गया बेटा, कुछ भी नहीं करना रह गया, मल्टीप्लाई करो एक्स से. कितना आ गया, वाई वन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 is equal to minus y. Minus y को तुम लेफ्ट साइड लेके आए, आई थिंक दैट इज वॉट दे वॉन्ट टू प्रूव. x square into y2 plus x into y1 plus y is equal to 0. That is what we were supposed to prove. If it is okay, can you show me your hands up? If that is fine, नोट करते रहना बच्चों, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग योर नोट्स प्रॉपरली. ठीक है, देखो आज पहली क्लास थी और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हमने आज टच किए हैं. ठीक है, अभी इसमें और बहुत कुछ रहता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी ये उसी टाइप का है वेरियस. जैसे अभी आपने लास्ट क्वेश्चन किया है ये 2019 में, दिस वॉज अ पार्ट ऑफ द CBSE क्वेश्चन पेपर, राइट. इट वॉज आस्क्ड इन द 4 marks. ठीक है, NCERT क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन. आई थिंक मिसलेनियस में है ये, NCERT के मिसलेनियस में है. ठीक है, तो आज थोड़ा सा टाइम कम है, राइट. इसके बाद मेरी एक और अभी क्लास लगी हुई है तो मैं इसको अभी रोक रहा हूँ, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये आपके बुक से ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली इसको ट्राई कर सकते हैं. ओके, तो आप अभी जो मेरे लिस्ट में है ये सारे क्वेश्चंस थे डिस्कस करने को. इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम पिक करेंगे, राइट. अब आप फिलहाल भाई आपका करंट लेवल ये है कि अब आप कोई सा भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो. जितने भी वेरियस टाइप्स हैं हमने हर टाइप को टच किया है. ठीक है, तो कल की क्लास सर्टेनली ज्यादा मीनिंगफुल क्लास होगी जिसमें हम लोग ज्यादा क्वेश्चंस करने पे फोकस करेंगे. ठीक है, सो विल फोकस मोर ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस इन टुमारोज क्लास. यस सर, इट इज इन मिसलेनियस, राइट, आई नो. ठीक है, तो वो मिसलेनियस में ही, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना. एक क्वेश्चन और मैंने एग्जाम्पल से भी पिक किया था जो अभी समृद्धि ने पूछा भी था, तो कल फिर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं. कल की क्लास में आपके डाउट्स प्लस ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम